सरिस्का से निकलकर अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए भटक रहे टाइगर 2303 की नई लोकेशन अभी नहीं मिल पा रही है। लगभग एक सप्ताह पूर्व इस टाइगर ने हरियाणा राजस्थान की सीमा पर पहले एक किसान को घायल किया था और बाद में सरिस्का से आई रेस्क्यू टीम के दो कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इनमें से एक कर्मचारी हमले में व दूसरा टाइगर की दहशत के कारण बेहोश हो गया था। 5-6 दिन पहले इस टाइगर के फुटप्रिंट अंतिम बार अलवर जिले के बूढ़ी बावल के आसपास देखे गए थे। इसके बाद राजस्थान के अलग अलग स्थानों से टाइगर के पगमार्क मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। हम यह वीडियो 27 जनवरी की दोपहर जारी कर रहे हैं। इस बीच भैरोड क्षेत्र में भी इस बाघ के पगमार्क मिलने की फुटेज सामने आई है, लेकिन इनको काफी पुरानी माना जा रहा है। संभावना है कि यह फुटप्रिंट तब के हैं जब बाघ भटकता हुआ रेवाड़ी जिले की सीमा तक आया होगा। अभी 5-6 दिन से किसी तरह के नए पगमार्क नहीं मिले हैं, यही वन विभाग की परेशानी है। 26 जनवरी की शाम बूढ़ी बावल के निकट राबड़गांव और आसपास के गांव में भी बाघ होने की खबरें सामने आई थी। वन विभाग इस तरह की खबरों से इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि बूढ़ी बावल में राबड़गांव आदि गांवों से बाघ के बाहर जाने के पगमार्क अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में बाघ के सरिस्का में पहुँचने की जितनी संभावना है, उतनी ही बूढ़ी बावल में राबड़गांव आदि गाँव में होने की भी है। अलवर जिले के यह गांव हरियाणा के रेवाड़ी जिले की सीमा से सटे हुए हैं। बाघ यानी टाइगर के नए पगमार्क नहीं मिलने से दहशत भी बरकरार है, लेकिन वन विभाग की परेशानी अफवाहों से है। 2 दिन से अफवाहें एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। एनजेपी चैनल ने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई भी खबर दिखाने के पक्ष में नहीं है जिससे भ्रम पैदा हो। अभी बाघ के बारे में हमारा जवाब है राम जाने कहां पर है, यही जवाब वन विभाग का है। इंतजार करें नए अपडेट का।